नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं इंदौर के नया सराफा बाज़ार में। यहाँ पर दिखाने वाले हैं जो छोटे बच्चे जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कैंडी। छोटे बच्चे उसको बचपन में जो बोलते थे वो गुड़िया के बाल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये चीज़ लड़कियों को भी काफ़ी पसंद है और छोटे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। मैं तो नहीं खाता, लेकिन ये कि कुछ यूनिक चीज़ आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भैया हैं जो कैंडी तैयार करते हैं, जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और मतलब कि लड़कियों को भी काफ़ी पसंद है। यहाँ पर इनका एक छोटा सा सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मोटर फिट है और जिसके चारों तरफ एक ऐसा बर्तन लगा हुआ है कि जिसमें इससे निकलने वाला जो रेजेस होती हैं उनको ये कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक कैंडी में तब्दील कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने भैया ने अपनी जो मशीन है तो मशीन के अंदर यहाँ पर कलरफुल वाली चीनी डाल ली और फिर दोबारा से मोटर को ऑन कर दिया है, जिससे यहाँ पे धीरे धीरे आप देखते रहेंगे कि रुए से निकलते रहेंगे जो इनका बर्तन है जिसके चारों तरफ ही घूमते रहेंगे और अपनी ये स्टिक पर इसको कैंडी बनाने के लिए घुमाते रहेंगे और कैंडी बना के तैयार करेंगे आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि धीरे धीरे ये जो इनका बर्तन है इसमें मशीन के द्वारा जाले पड़ना स्टार्ट हो गए। और इन भैया का स्पेशल कहना है कि ये लड़कियों का ही सामान बेचते हैं, तो हम भी इसको लड़कियों का ही सामान मतलब लड़कियों की भी खाने की चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी जाले पड़ते हैं उसको ये अपनी एक स्टिक से जो छड़ी होती है लकड़ी होती है उससे वो समेट लेते हैं और वो एक धीरे धीरे कैंडी का रूप ले लेती है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से मतलब है कि ये कैंडी लगभग बन के तैयार हो गया है। तो बहुत लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पर भैया ने इसको पॉलीथीन के अंदर डाला, पॉलीथीन के अंदर डालने के बाद में इसको थोड़ा सा एयर डाला, एयर डालने के बाद में ये अपने धागे से बंद करके ये कैंडी तैयार कर दिए। आप देख ही सकते हो बहुत सारी कैंडी लगी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि लाइव काउंटर चलता है इनका और यहाँ पर लाइव ही तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देख ही सकते हो जो दूसरी तरह से दोबारा जो जाले पड़े हुए थे मशीन के अंदर वहाँ पर उन्होंने उसको भी समेटना स्टार्ट कर दिया है और वो भी लगभग कंप्लीट हो गए। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही यूनिक होती हैं जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और खाने में भी अच्छा ही लगता है। गुड़िया के बाल मतलब एक के जो खाते हैं एक अल्टीमेट टेस्ट होता है और एक अल्टीमेट फीलिंग आती है जिसको खाने के बाद में बचपन की याद मोस्टली ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि भैया उसको पूरी तरह से जालों को अपनी स्टिक के साथ में बांध रहे हैं और उसके बाद में पॉलीथीन में एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद में उसमें थोड़ा सा एयर करके फिर इसको मतलब है कि पहले की तरह ये बांध देंगे। अगर आप भी इस तरीके का कैंडी खाना चाहते हो, आप भी इंजॉय करना चाहते हो, तो आपको आना पड़ेगा इंदौर का छोटा सराफा बाज़ार। तो मैं मिलता हूँ किसी नई जगह पर नए टेस्ट के साथ में। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना और अपनों का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों के खातिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह कैंडी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। जय राम जी की।